ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शिव पुराण में शिवरात्रि का प्रसंग यही कहता है कि अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए एक काले मिर्च और काले तिल के 7 दाने हथेली पर रखकर अपनी कामना कर अपनी मन की बात को कहकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे ये उपाय आप बड़ी शिवरात्रि को करें, चाहे जो हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है उस दिन ही कर लें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, वो हर वक्त परेशान ही रहता हो, तो वो व्यक्ति शिवलिंग पर बैर चढ़ाए, 7 बैर ले लेना अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान की शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। इतना बड़ा फल मिलता है शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बैर चढ़ाने से। जिसके घर में सास बहू में, देवरानी जेठानी में छोटी छोटी बात पर झगड़े होते ही रहते हैं, वो गेहूं की 7 बाली तोड़ लेना और उन 7ों गेहूं की बाली को एक साथ ही अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। ये उपाय आप हर महीने में जिस शिवरात्रि पड़ती है उसमें भी कर सकते हैं और महाशिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।